हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हम ऑटोमेटिक बिल नंबर जनरेट करना चाहते हैं, और ये चीज आपने टैली या P9 में सीखी होगी, शायद टैली प्राइम में ना समझ में आती हो बात। देखिए, ये कंपनी बनी हुई है और अब मैं यहाँ पे अल्टर पे चला जाता हूँ, और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको बाउचर टाइप दिखाई पड़ेगा। तो बस इस बाउचर टाइप पे आप चले जाइए, और बाउचर टाइप पे जाने के बाद कहाँ जाना है आपको, बाउचर टाइप पे जैसे ही जाएंगे तो मैं अभी चलता हूँ सीधा कहाँ, सेल्स पे। ठीक है, तो ये सेल्स पे आ गया मैं, और सेल्स पे आने के बाद आपको एंटर प्रेस करके नीचे आना है। ये ऑटोमेटिक के ठीक नीचे मिलेगा आपको यूज एडवांस कॉन्फिगरेशन, बस आपको इसे यस कर देना है। जैसे यस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि आपका जो बिल जनरेट होगा वो किस नंबर से जनरेट होगा। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, 501 से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो ये 501 आप कर सकते हैं, तो 501 से बिल नंबर जनरेट होकर आएगा। विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट्स में मैं कर देता हूँ लाइक 4 कर देता हूँ, ठीक है, आप भी ऐसे कर सकते हैं। और ये दिया हुआ है प्रीफिल विद 0, 0 के पहले 0 को प्रीफिल के रूप में फिल करना चाहते हैं या नहीं, तो यस कर दिया। और यहां पर आएंगे तो अब ये चीज कब चेंज हो, मतलब कि ये बिल नंबर का सीक्वेंस कितने दिनों के बाद चेंज होना चाहिए, वो चीज आपको यहां पे देनी है। डेली चाहते हैं, मंथली चाहते हैं, या कभी नहीं चाहते, या वीकली चाहते हैं, या ईयरली चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नेवर कर देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यही सीक्वेंस चलता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रीफिक्स की डिटेल आपको डालनी है, प्रीफिक्स में हम क्या भरना क्या चाहते हैं वो चीजें यहाँ पे डालनी है। फिलहाल तो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी भरनी है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ 1/4/2021 से ये एप्लीकेबल हो रहा है, तो ये कर दिया। अब फिर यहाँ पे दिया हुआ है पर्टिकुलर, तो पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, पर्टिकुलर में जैसे ही आएंगे तो आप क्या कौन सा बिल जनरेट कर रहे हैं, जीएसटी वाला कर रहे हैं, वैट वाला कर रहे हैं, या कुछ और देना चाहें, तो यहाँ पे मैं जीएसटी कर देता हूँ, और यहाँ पे लगा देता हूँ एक स्लैश, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, बस इतना ही रखता हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, ये डिटेल हो गई। अब यहाँ पे सफिक्स की डिटेल डालनी है, देखिए प्रीफिक्स तो हो गया, अब आपको डालनी है सफिक्स की डिटेल। तो सफिक्स की डिटेल डालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है एप्लीकेबल फ्रॉम, तो एप्लीकेबल फ्रॉम तो 1/4/2021 ही रहेगा यहाँ पर भी। और यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या डालेंगे, पर्टिकुलर में मैं डाल देता हूँ सूरज सर, सूरज सर, तो ये डाल दिया मैंने, आप इसकी जगह कुछ और भी डाल सकते हैं, ठीक है, तो ये डाल दिया है। और आप एंटर प्रेस करके इसको करवा लेना है एक्सेप्ट, ठीक है, तो एक बार इसको एक्सेप्ट करवाते हैं, देखते क्या होता है। आइए, ये देखिए, ये यहाँ पे दिया हुआ डिफॉल्ट टाइटल प्रिंटिंग, तो अगर आप डिफॉल्ट टाइटल प्रिंटिंग यस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं रख देता हूँ, क्या दे दे टाइटल, तो कुछ भी दे सकते हैं आप, तो ये कैश इनवॉइस कर देता हूँ, इनवॉइस, ओके, तो ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया, और यहाँ पे बैंक वगैरह की डिटेल आ सकती है, एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब सीधा कहाँ चलते हैं, सेल्स वाउचर में चलते हैं, वी प्रेस करते हैं और आ जाते हैं कहाँ, सेल्स वाउचर पर। अगर आपके पास कोई स्टॉक आइटम है तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे जीएसटी 0501 आ रहा है, और यहाँ पे सूरज सर लिखा हुआ है, जैसा कि मैंने दिया था, आप देख ही सकते हैं, ये यहाँ पर सफिक्स के रूप में आ रहा है, तो आगे आ जाएगा, यहाँ पे जो डालेंगे वो आ जाएगा, मैंने सूरज सर डाल दिया तो यही आ गया। तो आ जाएंगे कैश में ही सेलिंग कर देते हैं, तो ये हो गया, ये हो गया, और यहाँ पर रेगुलर रख के, और यहाँ पे जीएसटी आइएन आप डाल सकते हैं, फिलहाल छोड़ रखा है मैंने। यहाँ पर आएंगे तो अब यहाँ पर हमें देख सकते हैं, यहाँ पे 501 आ रहा है ना, ये देखिए। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, एक कीबोर्ड परचेस करता हूँ, तो यहाँ एक लिखा मैंने, और एक की खरीद रेट क्या पड़ेगी, खरीद रेट तो हमने डाल दिया 200 रुपए का, एक हम बेचेंगे, ठीक है, सेल करेंगे 200 का, ये देखिए, ये हो गया। अब यहाँ पे बाकी का सीजीएसटी एसजीएसटी आप लगा दीजिए, तो ये सीजीएसटी हो गया और फिर एसजीएसटी हो गया, दोनों अब यूज करेंगे, ये हो गया, और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, ये एक्सेप्ट हो गया। अब जब इसका आप बिल देखेंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ और भी चीजें, तो यहाँ पर देखिए यही सेल्स वाला बिल है आपका, और जब अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप इसका प्रीव्यू देख पाएंगे। देखिए, ये प्रीव्यू है, मैंने कैश इनवॉइस प्रिंटिंग में दिया था, तो ये देखिए कैश इनवॉइस ही लिख के आ रहा है, और यहाँ पे जीएसटीआईएन नंबर लिखा हुआ है, और देखिए इनवॉइस नंबर जो है 0501 जो दिया था सूरज सर, मैंने दिया था वही चीज ये प्रिंट करके दे रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे बाहर आ जाता हूँ, ठीक, ये तो हमने सेल कर दिया,
अब फिर वापिस से कहां चलेंगे, सेल्स वाउचर में फिर चलेंगे। देखिए बी प्रेस किया, सेल्स वाउचर में ही है हम। अब यहां पर देखिए ऑटोमेटिकली 502 आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको डाल देता हूं यहां पे, और फिर यहां पर आकर के और फिर यहां पर रेगुलर कर देता हूं, और जीएसटीआईएन आप डाल सकते हैं। यहां पर आएंगे, फिर कीबोर्ड ही लेता हूं, ठीक। अब इस बार मैं 5 कीबोर्ड ले लेता हूं 200 रुपए के हिसाब से। अब चूंकि एक बार कर चुके हैं तो ऑटोमेटिकली आ गया है। अब यहां पर ये देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा आपका, ठीक। तो ये हो गया, एंटर प्रेस करके एक्सेल कराइए। अब इसका बिल देखिए, इसका बिल जब आप देखेंगे तो यहां पर दोबारा डी प्रेस करता हूं, ये देखिए ऑटोमेटिकली यहां 502 दिखा रहा है, देखिए। और जो सूरज सर मैंने लिख रखा था उसकी जगह आप कुछ और भी दे सकते हैं, जो आपको देना हो वो दे सकते हैं, मैंने तो ये दिखाने के लिए दे दिया। तो ये हो गया, और यहाँ से बड़ा करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए GST/0502 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से करके आप दे सकते हैं, ये बहुत आसान है। और आप अगर हम दोबारा इसकी एंट्री पास करेंगे, मतलब कि तीसरी बार, दोबारा नहीं बल्कि तीसरी बार एंट्री पास करने में जा रहा हूं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 503 दिखा रहा है। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी कि इसको कैसे करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।